तो आईएनएलडी के सांसद दुष्यंत चौटाला के ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गंभीरता से लिया इस मामले पर बीजेपी सांसद और लोकसभा में पैनल चेयरमैन रमन डेका से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने। और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सांसद दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर की सवारी कर संसद भवन पहुंचे। आए दिन हम देखते हैं कि सांसद अजब अजब सवारी करके संसद भवन पहुंचते हैं, इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में हम बात करेंगे बीजेपी सांसद और लोकसभा में पैनल स्पीकर रहे रमन डेका जी से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आए दिन सांसद अलग अलग सवारी से पहुंचते हैं, आज दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर की सवारी कर संसद भवन पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हुआ, दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर से सवारी होकर पार्लियामेंट में आया है, उसको आना नहीं चाहिए था क्योंकि ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। और उसका जो मुद्दा है वो एक सांसद है, वो सांसद के नाते ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठा सकता है। वो ट्रैक्टर लेके वो जो ड्रामाबाजी किया, ये अच्छा नहीं है। आप मानते हैं कि अब लोकसभा इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आने वाले समय में इस तरह के मामले ना बढ़े, इसको लेके कोई कड़े कानून या गाइडलाइन जारी हो सकती है? देखिए, ये जो ट्रैक्टर ले आने का मामला है, मैडम स्पीकर ने जरूर उसको देखेगा क्योंकि वो थोड़ा जो हमारा नीति है पार्लियामेंट का, जो चैप्टर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब मामला जरूर स्पीकर मैडम देखेंगे। बिल्कुल, जिस तरह सांसद दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर की सवारी करके संसद भवन पहुंचे, इसमें बीजेपी सांसद रमन डेका जी का कहना है कि इस तरह बिल्कुल सांसद को इस तरह नहीं करना चाहिए था और आने वाले समय में इस मामले पर लोकसभा की जो समिति है वो काफी गंभीरता से सोचेगी ताकि इस तरह के मामले भविष्य में सामने ना आ पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।